हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन जी? मैं बउआ और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी हैं। कौन बउआ और कौन बैरागी? नहीं, प से बउआ, ब से बउआ सर। अच्छा, फिर क्या करूं? नहीं, करना नहीं है। हम अगर आप बताएं तो हम शुरू करें। क्या शुरू करें? हर हफ्ते एक चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है? एक सेकेंड, जहाँ एक्सपर्ट बैरागी जी अपनी विशेष राय आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ बांटते हैं। अरे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, खामा हो, क्या चर्चा कर रहे हैं? दो मिनट भाई साहब, चर्चा टॉपिक तो सुन लो। ठीक है, तो बजट आने वाला है। अच्छा, तो उसे आम बजट कहते हैं, आपने सुना है भाई साहब? आम बजट ही आता है, और क्या आता है? नहीं तो यही बात है, आम बजट ही क्यों होता है? बड़ा सवाल ये है कि इतने और फल हैं, आम बजट ही क्यों कहा जाता है? बैरागी जी इस पे टिप्पणी देंगे। सुन, ऐसे मत पूछिए सब चीजें। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, शांत हो जाओ। बैरागी जी बताएंगे आम क्यों कहते हैं, आम बजट। बता। बात आज की नहीं है। सबसे पहले 1924 में केला बजट आया था। केला बजट जी, जनता को केला समझ नहीं आया, सबने बोला ये क्या केला है। काफी कोशिशों के बाद आड़ू बजट नाम रखा गया। आड़ू, ये तो बड़ा फाड़ू नाम है। नाम है फाड़ू। उसके बाद कौन से कौन से फल? काला अंगूर, हरा अंगूर, फिर पपीता आया। सबने कहा कि कैसा फल जो कि साल भर, क्योंकि बजट साल भर के लिए आता है। तो साल भर चलने वाले फल कौन सा? केला नहीं, अमरूद नहीं, संतरा, तरबूज, जिसको ट्रेन में चखा जाता है, कहीं भी खाया जाता है। कटरीना खाती है, गुलशन ग्रोवर उसका जूस पीता है, उसी के अचार डलते हैं। आम आम आम, और वहीं से आया आम बजट, सबकी जिंदगी में रस लेकर के। देख लियो जाके। एक सेकंड, इनका नाम क्या? एक बड़ा गंदा बोल रहे हैं। बल्लू एंग्लो। आप बल्लू एंग्लो हैं? तेरे अरे भड़क गए बल्लू एंग्लो। बल्लू एंग्लो बहुत ही ज्यादा। बस करिए, बल्लू एंग्लो ने फोन कर दिया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही नजदीक, मैं कहूँगा यहीं से पहली बार आई। हाँ जी, लोधी गार्डन में प्रेमी जोड़े पकड़ने वाले बबलू ढाका की बीवी फातिमा गोंजाल्वेस लिखती हैं। बबलू ढाका की बीवी फातिमा क्या लिखती हैं? यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता फातिमा गोंजाल्वेस। थैंक यू फातिमा, बबलू ढाका को समझाओ मत पकड़ो जोड़ों को। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। मेला प्रशासन। कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप आगे आ जाओ, आप आगे ले आओ बच्चे। बउआ कौन? मैं मेला घूमने आया हूँ अंकिल, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक। देखो यहाँ पे सब बिक तो, एक सेकेंड, मेला प्रशासन की एक अनाउंसमेंट हो रही है। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास। हाँ जी। अरे मुझे क्या करना है उसके? फिर दो मिनट मदद चाहिए भाई साहब। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास एक लाल चड्डी में बच्चा मिला है। हाँ जी। जिनका बच्चा है, हा? आकर ले जाएं। देख रहे, आप सुना आपने? अरे तो उससे मुझे क्या लेना था? अजी तुम भी बच्चा जाने। मेरा बच्चा थोड़ी है वो। चूड़िया हरी चूड़िया लाल चूड़िया। मेला प्रशासन, आपका अगर बच्चा होता तो आप क्या करते? जरूरी सूचना। अरे तो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं उसका अपने बच्चों को हाथ। तो गंदा क्यों बोल रहे हो आप? अगर मेरे पास क्यों फोन करा तूने? इसलिए किया, एक सेकंड। लाल चड्डे में बच्चा काफी देर से। एक सेकंड रुक जा भाई साहब। हाँ जी। ये बच्चा दिखाइए जरा। देखिए ये खड़ा है, एक घंटे से चिंगम चबा के फीकी कर दी इसने। ये तो नॉर्मल लग रहा है, तो इसे कहाँ अस्पताल भेज दूँ? नहीं भाई साहब, आप हंस रहे हैं। एक सेकंड, इसकी तो दो आंखें दो हाथ हैं। तो आपने क्या सोचा था? शुतुरमुर्ग गए? तेरे के चार पैर है क्या? ये देखो, ये देखो, आपके दो आंख दो पैर ही होते हैं। दो आंख नहीं, एक सेकंड। एग्जैक्टली, मेला प्रशासन आपको तोहफा देता है। एक सेकंड, मेला प्रशासन आपको बुलाया जाए। अरे मेला प्रशासन की मेरे को भी बुला रहा है। एक सेकंड, मेला प्रशासन के कार्यालय में एक बच्चा है, एक घंटे से यहाँ पर खड़ा है लाल चड्डी में, जिनका बच्चा आकर ले जाए। हाँ जी। अरे लाल चड्डी इसके मुंह में भर दो, समझ आई? लाल, एक सेकंड, इसके पापा चिराग दिल्ली में मिलेंगे, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। दिल्ली? एक क्यों, मैं बताता हूँ। ये आपने क्या अनाउंसमेंट किया? बच्चा लाल चड्डी में है। लाल चड्डी में है, जिनका है आकर ले जाए। इन्होंने बोला ना, किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। तो जिन तो चिराग में रहते हैं, वो भी चिराग दिल्ली में मिलेगा। अरे बूमर की औलाद, तुझे फुला के फोड़ दूंगा भाई साहब। गंदा बोल रहा है। मेला प्रशासन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चा है, अबे वो बूमर की औलाद, सेंटर प्लस चला जा। अबे चल तेरी, फुला के फोड़ दूंगा बूमर की औलाद, पट्टा गवा जाएगी। बम लगा के उड़ा दे। किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। हुकुम मेरे आका। फोन रखो तुम्हारी माँ का। बूमर की औलाद भुला के फाड़ दे पट्टा। हेलो।
हेलो भाई साहब नमस्ते। मेला प्रशासन। कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप आगे आ जाओ, आप आगे ले आओ बच्चे। बउआ कौन? मैं मेला घूमने आया हूँ अंकिल, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक। देखो यहाँ पे सब बिक तो, एक सेकेंड, मेला प्रशासन की एक अनाउंसमेंट हो रही है। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास। हाँ जी। अरे मुझे क्या करना है उसके? फिर दो मिनट मदद चाहिए भाई साहब। मेला प्रशासन के कार्यालय के पास एक लाल चड्डी में बच्चा मिला है। हाँ जी। जिनका बच्चा है, है? आकर ले जाएं। देख रहे आप, सुना आपने? अरे तो उससे मुझे क्या लेना था ना? अजय तुम भी बच्चा जाने। मेरा बच्चा थोड़ी है वो। चूड़ियाँ हरी चूड़ियाँ लाल चूड़ियाँ। मेला प्रशासन, आपका अगर बच्चा होता तो आप क्या करते? जरूरी सूचना। अरे तो अपने बच्चे हाथ पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं उसका अपने बच्चों को। तो गंदा क्यों बोल रहे हो आप? अरे मेरे पास क्यों फोन करा तूने? इसलिए किया, एक सेकंड। लाल चड्डे में बच्चा काफी देर से। एक सेकंड रुक जा भाई साहब। हाँ जी। ये बच्चा दिखाइए जरा। देखिए ये खड़ा है, एक घंटे से चिंगम चबा के फीकी कर दी इसने। ये तो नॉर्मल लग रहा है, तो इसे कहाँ अस्पताल भेज दूँ? नहीं भाई साहब आप हंस रहे हैं। एक सेकंड, इसकी तो दो आंखें दो हाथ हैं। तो आपने क्या सोचा था? तो मुड़ गए तेरे के चार पैर है क्या? ये देखो ये देखो, आपके दो आंख दो पैर ही होते हैं। दो आंख नहीं, एक सेकंड। एग्जैक्टली, मेला प्रशासन आपको तोहफा देता है। एक सेकंड, मेला प्रशासन आपको बुलाया जाए। अरे मेला प्रशासन की मेरे को क्यों बुला रहा है? एक सेकंड, मेला प्रशासन के कार्यालय में एक बच्चा है, एक घंटे से यहाँ पर खड़ा है लाल चड्डी में, जिनका बच्चा आकर ले जाए। हाँ जी। अरे लाल चड्डी इसके मुंह में भर दो, समझ आई? लाल, एक सेकंड, इसके पापा चिराग दिल्ली में मिलेंगे, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। चिराग दिल्ली? एक क्यों, मैं बताता हूँ। ये आपने क्या अनाउंसमेंट किया? बच्चा लाल चड्डी में है। लाल चड्डी में है, जिनका है आकर ले जाए। इन्होंने बोला ना, किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। तो जिन जिन तो चिराग में रहते हैं, वो भी चिराग दिल्ली में मिलेगा। अरे बूमर की औलाद, तुझे फुला के फोड़ दूंगा भाई साहब। गंदा बोल रहा है, इनके ऊपर एक गाना भी बना है। सुनाओ। जिनके साथ हो। अरे वाह। हाँ, जिनके साथ हो। साथ नहीं, सड हो। सुना दे आगे। इस गाने में भी जीन है, बताऊं कैसे? कैसे? जीने मेरा दिल जीने। मेला प्रशासन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा है, अबे वो बूमर की औलाद सेंटर प्लस चला जा। अबे चल तेरी, बुला के फोड़ दूंगा बूमर की औलाद, पटाखा आ जाएगी। बम लगा के उड़ा दे। किसका बच्चा है? जिनका बच्चा है आकर ले जाए। हुकुम मेरे आका। फोन रखो तुम्हारी माँ का। बूमर, बूमर की औलाद बुला के फाड़ दे पट्टा। हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी मौजूद हैं इस वक्त। जाग जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन नंद किशोर भाई? भाई नहीं, बैरागी। बैरागी? हाँ भाई। बैरागी कौन? बैरागी सब बताएंगे, अगर आप तैयार हैं तो शुरू करें। क्या शुरू करना है? हर हफ्ते चर्चा होती है जहाँ बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं और आप प्रतिनिधि जनता के। मेरे को किससे पूछते? प्रतिनिधि बना दिए। क्या प्रतिनिधि है? एक मिनट, आपकी जिम्मेदारी है ना, प्लीज। हाँ करें। करो। इस बारी का मुद्दा जो है बैरागी जी, रात गई भाई साहब, क्या कहते हैं वो, रात गई, बात गई, बात गई बेरी। ये नवयुवक जानता है इस बात को, लेकिन शायद ये नहीं जानता होगा कि आखिर ऐसा कहते क्यों है, वो आप बताएंगे। अच्छा भाई, ये मुद्दा है, इस पे बहस करनी है। हाँ, इसी पे होगा सब कुछ। और कौन करेगा? बैरागी जी एक्सपर्ट, वो बताएंगे। आपके कोई सवाल है जरूर उसको अंत में सवाल रखिएगा। तो मुद्दा है कि रात गई, बात बात गई। तो बातों का अस्तित्व आज से नहीं, कुंभकर्ण काल से। कुंभकर्ण के टाइम से बैरागी। मैं किस टाइम का, उसको छोड़िए, मुद्दा का। अब तू क्यों समझदार बन रहा है? समझदार बनते नहीं, होते हैं। होते हैं, बनाए तो लोग वो जाते हैं। चौ से क्या होता है? चमगादड़। चमगादड़ बनाया जाए। जैसे चमगादड़ नहीं, जैसे जो 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 है उसको वो मालूम है। मालूम हमें नहीं मालूम। तेरी बहन बेटी घर बचाओ सब होगा, लेकिन मैं बोल रहा था आपसे कि रात गई बात गई। अरे वाह चंचल युवक, तो रात गई बात गई में जब आप खा पी करके सोते हो और सुबह उठते हो, आपको क्या याद आता है सबसे पहले? सपना। एक दिन क्या याद आता है? हगना। हमें, हम सपना बोल रहे थे, हगना बोल रहे हैं आपको तो मतलब याद आता है। एक सेकेंड। हाँ, तो सुबह सबसे पहले दो नंबर जाने का मन होता है आदमी, जैसे ही वो जो बातें जो खाया उसने होता है वो सब निकाल देते। तो इसलिए रात गई बात गई। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि पहले बातें होती थी, वजन होता था। कुछ भारी होता। बातों में वजन नहीं रहा। अब बातों में गोबर होगी, बातें वो हो गई। ट से आप क्या कह रहे थे? ट से टमाटर। टमाटर नहीं, कुछ है
अरे टस टट्टी सब जानता है भाई गॉड, इतना गंदा कैसे बोल सकते हैं आप। इसीलिए कहते हैं रात गई बात गई, यानी जो खाया उसे फ्लश कर दिया। इनका नाम क्या बेटा जी? इनका नाम है बंकर बबलू। आप बंकर बबलू हैं? आप बंकर बबलू भाई बंकर। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है बेटा जी? बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक जगह धिमक्कड़पुर। अरे वाह, धिमक्कड़पुर की पेचेदा गली में चटनी पीसने वाली भल्ला की बेटी कुमारी पापड़ी त्रिवेदी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। पापड़ी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। शुक्रिया पापड़ी। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कौन सो रहे थे क्या? डिस्टर्ब किया? बाद में लगाओ। वन तो लगा दिया बता। मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? बिरयानी टिंडे की सब्जी। क्या करना है इसका? नहीं करना नहीं है। कंपनी का बॉस और कंपनी का एम्प्लॉय। अच्छा। हेलो, ये क्या है? कंपनी बॉस एम्प्लॉय बिरयानी टिंडे तोरी क्या एक हेलो एस आर के और के आर के। अरे फोन रख दे। है हेलो सर, सिग्नल वीक है, फोन कट गया था। अरे वीक नहीं बच्चे। सॉरी मैं कह रहा था बिरयानी टिंडे की सब्जी। अरे बिरयानी को अपनी डाल लो। नहीं आप सॉरी सॉरी क्यों बोल रहा हूँ ये सुन लो ना। ये बोल। आजकल आदमी भला बुरा नहीं सुन सकता। अच्छा तो मैं एक भला और एक बुरा बोल रहा हूँ। जैसे भला क्या है? बिरयानी। और बुरा क्या? टिंडे की सब्जी। किसी को टिंडे की सब्जी भली लगती हो? फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं, ये अलाउड नहीं। क्यों अलाउड नहीं? एम्प्लॉई और बॉस। एम्प्लॉय भला, बॉस बुरा। अब बता और बता भला। और बता एस आर के और के आर के। एस आर के भला और के आर के बुरा। सोले और डरोना। सोले अच्छी पिक्चर भली पिक्चर। डरोना कौन सी पिक्चर है? देख इतनी बुरी है तेरे को मालूम भी नहीं कौन सी है। मदर ए मदर टेरेसा ओसामा बिन लादेन। अब इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब एक मेरा भी सुन ले। हाँ बताओ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वाह क्या बात है, ब्रिलियंट। नींद में होते हुए भी आप जैसा आदमी। सरसों का और एक भला बुरा सुन। सरसों का तेल भला और जापानी तेल। जापानी तेल। हेलो कीचड़ और परफ्यूम। कीचड़ भला। कीचड़ कैसे भला है? एक मिनट, कीचड़ से दाग लगते हैं और दाग अच्छे हैं, आते हैं ना टीवी पे। मेंटल आदमी। दाढ़ी और मूंछ। अच्छा दाढ़ी भली मूंछ बुरी, बता कैसे? मुझे नहीं पता, तू बता। दाढ़ी में तिनका होता है, डूबते को तिनके का सहारा। तूने डूबते आदमी को बचा लिया, दाढ़ी बड़ी। मूंछ बुरी क्यों पता है? क्योंकि मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो कितना बुरा है ना। कितना तू नींद में गंदा बोल रहा है मेरे को, ये गलत बात हो रही है। धर्मेंद्र और जितेंद्र बता कैसे? जितेंद्र और धर्मेंद्र सुन ले। जितेंद्र से जीत आती है, धर्मेंद्र से धर्म के नाम पे लोग गंदा बोल रहे हैं एक दूसरे को। भाई मुझे एक आखिरी बता रहा हूँ, अंडा और डंडा। अंडा दूंगा तो अपना खोलोगे और डंडा दूंगा तो गंदा दूंगा, तो दूंगा। इसीलिए डंडा गंदा है, ठीक है? में जान है ये ऐड आता था क्या? आप लेडीज से फोन करके को बउआ कुछ बात कर सकता है, मजे ले सकता है, सुनिए। क्या किया बउआ ने? हेलो। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज बउआ बोल रही हूँ। दीदी किससे बात करनी है? आपसे दो मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ दो मिनट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी? बिल्कुल प्लीज। हेलो। हेलो मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। माँ को फोन करना। अरे उल्लू का बट्टा, पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके, सामने आ जाएगा तेरे। एक बार दो बार 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 परेशान करना। एक मिनट बस। कोई एक मिनट नहीं है, फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोलो या कुछ भी बोलो। आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। तब बोल क्या बोलना है? बोलता ही नहीं है। देखिए गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल क्या करूँ फिर। और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा। यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर है। सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं गलत वो ठीक है। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही थी दीदी? हेलो ये सीमेंट। हंस रही है आप, मन में हंस रही है आप। आपकी हंसी
हंसी झूठ रही है। तू ये जो अपनी बातें बता रहे हैं ना, बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप। एक सेकंड, मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है, यानी औरत सीमेंट की तरह होती है यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आओ अपने। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे, रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। हंस भी रही है, गंदा भी बोली थी यार। हेलो, सब्सक्राइब इंडियन प्रैंक आर्मी फॉर मोर अपडेट्स। फेवरेट एफएम, स्वागत आप लोगों का। बउआ जी इस वक्त स्टूडियो में 9:16 पे। व्हाई आर यू शाउटिंग व्हेन आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू? डोंट मेक इट अ प्रोपेगेंडा। कौन सा गेंडा? सॉरी। नहीं तुम ही मजे ले सकते हैं, हमने ही क्या। ऐसी बात नहीं है, एक बार एक लड़के ने एक पापा के मजे ले लिए अपने। मतलब? या बस छींक रहा है, छींक दे, थूक दे, साढ़े यहीं कर दे, खड़ास कर दे, ऐसा कर दे। अच्छा तो बताना, पापा ने बच्चे कैसे मजे लिए? नहीं नहीं, बच्चे ने पापा के। बोलेगा? नहीं, पापा ने बोला दिन भर फेसबुक पे बैठा रहता है, ये रोटी नहीं देने वाली। तो बच्चा पापा से बोलता, पता है लेकिन रोटी बनाने वाली तो यहीं से मिलने वाली है। हेलो, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो, क्या? हेलो, सॉरी, मैं किसी और। नमस्ते अंकल। अंकल नहीं भाई, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा था। क्या चीज? दो मिनट चाहिए था आपका। मैं पहचानूंगा तो दूंगा ना, दो मिनट पहचान हो जाएगी। मैं कह रहा था कि आज मेरा एक बड़ा जरूरी एग्जाम था। अच्छा, पहले तो ये बताओ है कौन? सब बता दूंगा, सुन लो। मेरा एग्जाम था, मैंने अपने टीचर को कल रात को फोन किया कि प्लीज एग्जाम में मेरे को पास कर देना। टीचर ने क्या बोला पता है? क्या बोला? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो सही बोला? और क्या बोला? नहीं ये तो छोड़, पापा ने भी सेम डायलॉग मारा। क्या? 1.5 साल पहले जब मेरा वेकेशन हुआ था, मैंने उनको बोला था साइकिल चाहिए, सभी दोस्तों के पास साइकिल है, कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं। मम्मी से जाके बोल। मम्मी के पास गया, मम्मी कड़वा चौथ का व्रत रखी थी, मेहंदी लगाई थी, उनने भी कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं, जबकि मेहंदी थी हाथ में। तू बताया क्या लगा हाथ में? कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं। पहले सॉरी, आज सुबह मेरे दादाजी बिस्तर पे लेते हुए, एक मिनट दादाजी, ये मेरा दोस्त है बंटू। बंटू कौन बोल रहा है? बंटू प्यार से नाम दिया रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते। मेरे और मेरे दादा के दोनों के थप्पड़ पड़ेंगे। एक सेकंड, मैं कह रहा था आपसे, आज मैं सुबह मॉर्निंग शो देखने निकल रहा था। अच्छा, इनको मैंने बोला। किनको? दादाजी को कि चलोगे। अच्छा। इनने भी सेम डायलॉग मारा। क्या? मेरे हाथ में कुछ नहीं। देखो तो कौन सी पिक्चर दिखा रहा था सुबह दादाजी को? अरे वो सनी देओल के ना घायल बन सकें। हाँ, वो जा रहे थे। अपने दादाजी को पिक्चर दिखा, मस्ती जा रहे, फिर आएगा उनके हाथ में कुछ। कौन सी पिक्चर जा रहे हैं बच्चे? मस्ती जा रहे, मस्ती जा रहे, मस्ती जा रहे। अरे ओ राजे, तुझे है शर्म? मेरी बात सुनिए। सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाथ में आने मतलब आप टिकट की बात कर रहे हैं शायद दादाजी? टिकट नहीं बोल रहा है। टिकट नहीं तो शायद, शायद छड़ी कह रहा हूँ। छड़ी आ जाएगा हाथ में? नहीं, छड़ी भी नहीं। ऐनक आ जाएगी हाथ में? ऐनक? ऐनक क्यों आएगी हाथ में? ऐनक तो सर पे लगी, आंखों में नहीं, मतलब हाथ से लेगी सर पे। मेरा शॉल आ जाएगा। शॉल आ जाए, ये तो हो, अबे आ जाएगा हाथ में दादाजी। अरे यार ये कौन सी पिक्चर बजाई थी उन्हें? मस्ती दादे भाई, आधे हम ये पिक्चर देखेंगे। शर्म नाम की चीज नहीं भाई साहब। दादाजी अक्सर एक डायलॉग मारते हैं जब भी कोई बदतमीज मिलता है। कौन सा है? ऐसा है बच्चे, तुम्हारे पास टाइम है? हाँ है, बोल क्या कर लेगा बुड्ढे। तो टाइम निकाल के मर जाओ ना, जाके कहीं मुझे दिखाओगे तुम मस्ती जादे? तू एक नंबर जादे। Hello? Yeah, you can forward this detail to Mr. Sharma. He probably will get back to me on this, okay? Hello? Ask him to call me on Monday, okay? Hello? Yeah, is that Kathy? Yes. Yeah, hi Kathy. This is Ankur calling from Private Limited. Okay. This is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have... Oh, okay, okay, yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Hello? Hello? Yeah, hi. Hi. Is that Kathy? Yes. Yeah. Okay. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. अच्छा, ओके बताइए। Why are you laughing? या seriously the executive, आपका आवाज बड़ा अजीब सा। आपका नहीं, आपकी आवाज। या whatever. Whatever it is. This is no. Don't get into the आवाज and the personal thing. Okay, fine. My name is Baua. Okay, आगे बोलिए। Okay, you want to talk to in English or Hindi? English. हिंदी कंट्री में रह के अंग्रेजी में बोलेंगी।
What kind of person are you? अरे यार तो option ही क्यों दे रहे हो? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say ठीक है. ठीक है भाई, ठीक है. आप आगे बोलिए please. Your father's name? Khyati? Mr. Umesh. Okay. Your mother's name? Mrs. Pushpa. Your brother's name? Divyansh. Some other's name? What? Sorry, sister's name? Sorry. No, sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? Papa ki side wale grandpa? I mean, are you sure you want details? I'll tell you later on. No? Why do we need such details? Hame ye detail kyun chahiye? I'll tell you in some time. Dada ji ka naam? Mr. Shekhar. Nana ji ka? Are you seriously the executor? I need... I'm really sorry, but I'll explain it to you. Nana ji ka naam, please. Mr. Harilal. Mr. Harilal. Oh, Hari and Lal, matlab green and red, both. Are you out of your mind? No. Dimaag to theek hai, whoever you aapka are. Boyfriend, ek sorry, last. Aisi mein jaye, tera complaint number aap mein le apna complaint. Look at the way you are abusing. The quality purpose ke liye record ho raha hai call. Teri quality kya hai, dikh rahi hai. Bakwas, itni tere se sorry. Dude, are you married? Kya karega janke? Details chahiye. Are you married? Last two details. Are no, you? I'm not. You're no, not, I'm ma- not married. Do you have boyfriend? हाँ है बता. उसका नंबर दो. ऐसे कर देगा तेरी आगे. Don't mess with Johan. Sorry, बउआ. पता नहीं क्या लोगों का काटने के लिए बिठा रखा है तो जया क्या करने के लिए कर. क्या बोल रही? Come again? क्या काटने के लिए? जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के. आपकी नाना जी हरीलाल जी कभी बॉयफ्रेंड को हरीलाल बुलाया? Yes or no? नहीं बुलाया. मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? Are you there online? Yes, I'm online. जो बोलना है जल्दी मुझे बोल. आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं. लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो. देख. Oh my god. What? मैं गधा. गधा बोल रही है? एक बॉयफ्रेंड का नाम बचा ही दिया आखिर आपने. आपकी किस्म वोमेन कहती है? हडीलाल हडीलाल. फोन रखो. मेरा जवाब है हडीलाल हडीलाल. ओके. सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.